हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन। मेरा कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है और थोड़ी बहुत सेंसिटिव भी है, मींस मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो भी यूज़ करती हूँ बहुत सोच समझ के यूज़ करती हूँ और बहुत ख्याल से यूज़ करती हूँ कि उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। बातें ना करते हुए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन। मस्ट ये ऑयली स्किन के लिए है। तो आइए देखते हैं मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ। पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है और अच्छे से सूख गया है। देख सकते हो आप लोग, मेरी स्किन पे कुछ भी मेकअप नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करिए, कोई भी इंग्रेडिएंट्स, फेस पैक, कुछ भी अगर फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपका स्किन एकदम से क्लीन हो। सबसे स्टेप है क्लींजिंग। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लींज करूँगी। तो ये है आयुर का, तो हम इसको लेंगे। अपने फेस को और नेक को अच्छे से मसाज करेंगे, मतलब जो भी क्लींजिंग है इसको अच्छे से डीप क्लीन करेंगे अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग यूज़ का मसाज करते हुए और बहुत ख्याल से। अब मैंने क्लींजिंग कर लिया है अपने फेस का और मैं एक टिश्यू से इसको अच्छे से तो अब क्लींजिंग हो गया है और मैंने अच्छे से इसको टिश्यू से पोंछ लिया है। आप लोग देख सकते हो अपने फेस का स्क्रब। तो स्क्रब के लिए मैंने लिया है हाफ टोमेटो और शुगर, एक चम्मच चीनी है और ये टमाटर है। तो या तो आप ऐसे भी डायरेक्टली चीनी को स्क्रब कर सकते हैं, बट मैं जो है इसको अच्छे से टमाटर चीनी और टमाटर का ये मैंने मिक्सचर तैयार किया है जो कि मैं स्क्रब करूँगी। बस 2 मिनट हमने इसे मसाज करना है और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसे बस अपने फेस पे ऐसा ही लगे रहने देना है। और जो मेरा स्क्रब है वो बहुत ही अच्छे से स्किन में सूख चुका है, देख सकते हो आप लोग। अब मैं इसे ठंडे पानी से, जिसमें कि मैंने आइस क्यूब डाला, तो इस ठंडे पानी से मैं अब अच्छे से पोंछ ले रही हूँ अपने फेस को। तो स्क्रब के बाद मैं एक बार और बेसन और हल्दी जो होता है उससे उसको लगा के मैं थोड़ा देर के लिए स्क्रब का फ्लोर, मीन्स बेसन लिया हुआ है जो कि मैं इतना थोड़ा सा हाफ चम्मच ले रही हूँ कि बहुत ही कम टर्मरिक लिया है मैंने। और इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसे पूरे चेहरे पे लगाकर हल्के हाथों से मसाज करेंगे। अभी मेरा स्क्रब हो गया है कि आप लोग देख सकते हैं। बस ये 2-3 स्टेप फॉलो करने के साथ ही मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है। और अब बारी है पैक की। तो पैक के लिए अगेन बेसन, मैंने 1 चम्मच लेना है बेसन। और बेसन के बाद लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का ये पाउडर है, मुल्तानी मिट्टी भी 1 चम्मच लेंगे। गुलाब जल, आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं, बट मैं अभी गुलाब जल यूज कर रही हूँ। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के पेस्ट बना लेंगे स्मूथ सा। और सबसे मैं अपने चेहरे पे लगा ले रही हूँ। तो पूरे फेस पे मैंने पैक लगा लिया है और अब इसे हम
10 मिनट तक सूखने देंगे। तो गाइस जो भी अगर न्यूली वेड गर्ल हैं या जो भी न्यूली वेड होने वाली हैं, उनकी शादियाँ होने वाली हैं, तो वो इस टिप्स को फॉलो कर सकती है। फेस केयर को बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए और बेनिफिट्स होगा। अगर उनको उनकी स्किन ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। इंग्रीडियंट्स है सारे कि आपके स्किन को हील करेंगे और ग्लोई बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मे बी ये सारे इंग्रीडियंट्स आपके घरों में मिल जाएंगे इजिली अवेलेबल। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम क्लीन करेंगे, टॉवेल गीला कर अब फेस पैक के बाद बारी है टोनर की। तो मैं गुलाब जल टोनर के तौर पर यूज कर, मैं अभी एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा लिया है। और टोनर के बाद एलोवेरा जेल एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसे मैं 2 मिनट अच्छे से मसाज करूँगी फेस पर, छोड़ दूँगी। मेरा 2 मिनट मसाज हो चुका है और इसे मैं अब फेस पे लगे हुए छोड़ दूंगी ऐसे। तो आप लोग को मेरा ये स्किन केयर रूटीन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि मैं जो भी नई अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और फैमिली में शेयर भी करिए।